सभी को नमस्कार। 9th सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 4 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों पर चल रहे थे। लेसन का आज हम आखिरी भाग, भाग 4 बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि लोकतंत्र क्या है, शासन के विभिन्न रूप क्या हैं, लोकतांत्रिक सरकार के क्या गुण हैं, अलोकतांत्रिक के क्या गुण हैं, तानाशाही के क्या फायदे हैं। देखिए, तानाशाही एक व्यक्ति या एक दल का शासन है, क्योंकि शासन निर्णय एक ही व्यक्ति को लेने हैं तो वो जल्दी लिए जाते हैं। लोकतंत्र में क्या है कि इसमें बहुत से मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिन सभी को मिलकर कि किसी वस्तु का निर्णय लेना होता है, तो उस निर्णय को लेने में थोड़ा लंबा समय लग जाता है। तो लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक में हमने अंतर को जाना कि लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। आज के भाग में हम जानेंगे कि लोकतंत्र इन सभी शासन व्यवस्थाओं से, चाहे इनमें इतने गुण हैं, तो उनसे बेहतर क्यों है। अगर कोई देश में लोकतांत्रिक सरकार हो तो जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके क्या दायित्व बनते हैं, उस सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और लेसन को ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, भाग 4। सभी को नमस्कार। भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर। देखिए, जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका चयन जनता करती है वोट डालकर, और जो अलोकतांत्रिक है वो जनता द्वारा चुनाव नहीं किया जाता उस नेता का। सबसे प्रमुख अंतर है लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, और अलोकतांत्रिक जनता द्वारा चुनी नहीं जाती। दूसरा अंतर क्या है, देखिए, लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करती है, और जबकि ये उसके अलोकतांत्रिक सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती। तीसरा अंतर क्या है, देखिए, दोनों में यह जनता, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता के अधिकारों की रक्षा करती है, और जो अलोकतांत्रिक है वो जनता के अधिकारों का दमन करती है। चौथा अंतर देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती है सरकार, मतलब जब इलेक्शन होंगे तो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, जबकि अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेती। तो इसके उदाहरण क्या है लोकतांत्रिक के, लोकतंत्र जहां पर कि लोग वोट डालकर अपने नेता का चुनाव करते हैं। अलोकतंत्र के उदाहरण क्या हैं, राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक तंत्र। ये तीनों प्रकार के शासन के रूप अलोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ठीक है जी, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक में मुख्य अंतर क्या है कि वहाँ जनता द्वारा चुनी सरकार होती है, और अलोकतांत्रिक में ऐसा नहीं होता। चलिए, अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के सामने चुनौतियाँ कौन सी हैं। लोकतांत्रिक सरकार अगर बनती है तो उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली, बेरोजगारी की समस्या। देखिए, हमारे देश भारत में जनसंख्या 120 करोड़ से भी अधिक है, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी। इतनी अधिक जनसंख्या को रोज़गार प्रोवाइड करना सबसे बड़ी समस्या है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके सामने हम अपने देश की समस्याएं गिनवा रहे हैं। सबसे पहली क्या आ गई, बेरोजगारी की। दूसरी, महंगाई। इतनी जनता है और उपलब्ध संसाधन कम हैं तो चीज़ें महंगी होंगी वहाँ पर, तो दूसरी समस्या क्या आ गई, महंगाई की। तीसरी, अशिक्षा की। जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे ना होने के कारण भी देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चौथी है, जात पात की समस्या। आज भी देश के लोग
जाति पाति में विश्वास रखते हैं। हालांकि हमारे देश को आज़ाद हुए आज देखिए 70 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी जाति पाति की समस्या आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि लोकतंत्र अन्य शासन के जो रूप हैं, देखिए राजतंत्र, तानाशाही, सैनिक। आइए अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र अन्य से बेहतर क्यों है। देखिए जो सबसे पहली बात है वो है कि लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है, अर्थात इसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। वो अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर किसी बात को लेकर भेदभाव होता है तो वो न्यायालय की शरण में जाते हैं, उन्हें न्याय मिलता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो लोकतंत्र को राजतंत्र, तानाशाही, सैनिक तंत्र से बेहतर बनाती है वो है कि ये मूल्यों पर आधारित है। दूसरी, लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है। देखिए राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा है आगे उसकी संतान शासक बनती है, लेकिन लोकतंत्र में क्या है, आप वोट देकर अपनी पसंद का नेता खुद चुनते हैं। तीसरा, लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है, मतलब जो देश का कानून है, जो नेता हैं वो उसी के अनुसार ही चलते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह का बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। चौथा, लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने के अवसर मिलते हैं। अगर मान लीजिए किसी नेताओं की आपस में नहीं बन रही या जनता को किसी नेता के कार्य पसंद नहीं आ रहे, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, शांत माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। पांचवा, इसमें नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। देखिए लोकतंत्र में क्या है, आपके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहते हैं। किसी अन्य शासन प्रणाली में हो सकता है आपको अधिकार भी ना मिले, लेकिन लोकतंत्र में क्या है, आपके अधिकार सुरक्षित हैं। मान लीजिए कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं। छठा क्या है, इसमें क्रांति का भय नहीं होता, क्योंकि क्रांति करने वाली जनता ने अपनी सरकार खुद चुनती है। मान लीजिए मुझे किसी नेता का पसंद नहीं आ रहा शासन, तो अब इलेक्शन के समय तो मैंने वोट बदल के अपनी पसंद का अगला नेता खुद चुना है ना, तो इसमें क्रांति होने का भय नहीं रहता। तो इन सभी कारणों से लोकतंत्र अधिक बेहतर है अन्य शासन प्रणालियों से। चलिए अब हम आगे देखते हैं, नागरिकों के लोकतंत्र में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। सबसे पहला, अपनी सरकार खुद चुनने का अधिकार, क्योंकि हमें वोट डालने का अधिकार है। दूसरा, हम किसी भी संस्था का सदस्य बन सकते हैं, संस्था का गठन कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। अब मैं शिक्षक हूँ, मान लीजिए मैं किसी शिक्षक समूह का गठन करूँ, उसे छोड़ दूँ या किसी अन्य समूह की सदस्य बन जाऊँ, तो मुझ पर डिपेंड करता है, मुझे स्वतंत्रता इस चीज़ की। सरकार की आलोचना कर सकते हैं, विरोधी दल में शामिल हो सकते हैं। देखिए जो जनता है वो अगर मान लीजिए सरकार की कोई बात उसे पसंद नहीं आती तो वो उसकी आलोचना कर सकती है। जो नेता हैं वो एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाके शामिल हो सकते हैं। तो ये अधिकार हमें प्राप्त हैं, देखिए अपनी सरकार खुद चुनने का, किसी भी संस्था का सदस्य बनने का, सरकार की आलोचना करने का, विरोधी दल में शामिल होने का, चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को वोट देने का, किसी भी अन्य दल में खड़े होकर चुनाव लड़ने का या स्वतंत्र चुनाव लड़ने का, ये सभी अधिकार जनता के पास होते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा लेसन यही ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।